सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइज एमसीए सीईटी 2024 की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है उसकी जो ऑफिशियल एग्जाम डेट जो है वो अब रिलीज़ कर दी है एंड बता दिया है कि कब आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो पहले से ही पता रहे एंड वो अपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दे। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको जो एग्जामिनेशन डेट है वो तो बताऊँगा ही, साथ ही में ये भी बताऊँगा कि कब से सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, क्या पेपर पैटर्न आपका रहता है एंड कहाँ से आप अपना सीईटी का जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सीईटी सेल ने गाइज ये अपडेट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो है वो रिलीज़ किया है एंड बताया है कि जितनी भी 2024 में सीईटी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाएगी उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी। तो ये है गाइज वो अपडेट एंड इसमें 8 नंबर पे आप देख सकते हो महा एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे दी हुई है 30 मार्च 2024। जी हाँ गाइज, मार्च मंथ के एंडिंग में आपकी जो एमसीए सीईटी की एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी एंड इसके लिए गाइज अभी आप जो है वो प्रिपरेशन करना जो है वो शुरू कर दो। एंड जैसे गाइज मैं एमसीए की काउंसलिंग वगैरह भी करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो एमसीए सीईटी के एग्जामिनेशन देते हैं वो जनरली अपने फाइनल ईयर में रहते हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम वगैरह देते हैं एंड फिर एमसीए के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इस कंडीशन में गाइज उनका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं तो गाइज आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेज के साथ साथ आप अपने एमसीए का भी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे प्रिपेयर करो ताकि जब आपकी एग्जामिनेशन आए तो उसमें आप जो है वो अच्छा स्कोर करो। बिकॉज एमसीए सीईटी के थ्रू अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके गाइज आपको जो अच्छा कॉलेज है वो मिल सकता है, वरना अच्छा कॉलेज जो है वो मिलना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो सकता है। साथ ही में एमसीए का जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा जो है वो टफ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 रहते हैं एंड 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस जो है वो 90 मिनट्स का जो टाइम है वो दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम जो है वो आपके लिए रह सकता है। तो इसके लिए गाइज आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे आप जो है वो स्कोर कर पाओगे एंड कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा रहता है। तो कॉम्पिटिशन में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो 97% तो लगेगा, तभी जाके गाइज ओवरऑल आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल पाएगा। एंड अगर आप गाइज एक ऐसा रिसोर्स ढूंढ रहे हो जहाँ से आप अपने एमसीए सीईटी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर पाओ तो गाइज आप मनुअर एजुकेशन की जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपको लाइव लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, साथ ही में गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे जो शॉर्टकट्स है वो भी पढ़ाए जाते हैं जिससे गाइज आप कम टाइम में जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे एंड अच्छा ओवरऑल जो स्कोर है वो कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपके जो डाउट क्लासेस है वो भी होते हैं एंड जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज में रहते हैं एंड फिर एमसीए सीईटी के एग्जामिनेशन जो है वो देते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। तो आप अपना कॉलेज भी कर सकते हो एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यूज़ करके अपने फ्री टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट तो मिलेगी, साथ ही में जब आपकी एग्जामिनेशन पास आ जाएगी तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसे एमसीए सीईटी का पूरा ओवरऑल पैटर्न रहता है, जैसे उनके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल रहता है, सेम आपको यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगा, जिससे ओवरऑल गाइज आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो हो जाएगी। तो इनके बैचेस आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में गाइज अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या फिर जानना है कि ओवरऑल सारा पूरा जो स्ट्रक्चर है इनका वो कैसा है तो आप फोन नंबर्स पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखना है कि कैसी टीचिंग क्वालिटी है तो डिस्क्रिप्शन में गाइज मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा वो आप फिल कर सकते हो, तो आपको डेमो लेक्चर्स का भी जो एक्सेस है वो भी फ्री में मिल जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल यहाँ पे जो है वो कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टॉप कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में वीजीटीआई एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है एंड मुंबई में फिर सरदार पटेल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ से आप एमसीए कर सकते हो, पुणे में फिर डिपार्टमेंट है, पिंपरी चिंचवड़ है, विवेकानंद कॉलेज है, ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जहाँ से आप अपना जो एमसीए वो कर सकते हो। बट इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो एंड एमसीए कि जितने भी अपडेट्स आएंगे गाइज वो सारे जो अपडेट्स हैं वो मैं कवर करता हूँ, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके तो कैपराउंड 3 का जो लास्ट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एमसीए सीईटी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे।